मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएससी की विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्ट्स साइंस और कॉमर्स करने में कितना खर्च लगता है और कितने घंटे पढ़ेंगे तो कौन सा विषय बेटर रहेगा, मैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तो देखिए मेरे वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्स का। तो आर्ट्स को कितने घंटे पढ़ना होता है और कितने खर्च लग जाता है। देखिए आर्ट्स वही लड़का करता है जो 2 से 5 घंटा पढ़ता है, जो डेली 2 से 5 घंटा पढ़ता है उसके लिए आर्ट्स सही है। और देखिए इसमें आपको खर्च लग जाता है 20 से 40-50 हज़ार के बीच, 20 से 40 हज़ार लग जाता है आपका खर्च। तो इतने रुपये में आप आर्ट्स विषय सही होगा और आप आर्ट्स विषय को पूरा कर सकते हैं 20 से 40 हज़ार रुपये लगेगा। बात करते हैं कॉमर्स का। तो देखिए कॉमर्स को पढ़ने के लिए आपको 3 से 5-6 घंटा पढ़ना होता है, 5-6 घंटा कम से कम, 3 से 5 घंटा आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मन लगा कर वो भी पढ़ना होता है। तो देखिए इसका खर्च आ जाता है 40 से 70 हज़ार रुपये, 2 साल में 40 से 70 हज़ार रुपये चला आता है। देखिए ये मैंने आंकड़ा 10-20 स्टूडेंट से पूछ कर लगाया हूँ क्योंकि वो लोग खुद पढ़े हैं, शहर में भी पढ़े हैं, पटना में भी पढ़े हैं, इधर उधर भी पढ़े हैं, तो मैं खर्चा पूछ कर बता रहा हूँ आप लोग का। ये बिल्कुल सही है, आप लोग गार्जियन से अपने पूछ लीजिए कितना रुपया 2 साल में वो खर्चा कर सकते हैं, उसी के मुताबिक आप स्ट्रीम चुनिए, क्योंकि अच्छे स्ट्रीम नहीं चुन पाएगा तो आपको अच्छा से नौकरी नहीं लग पाएगा। बाकी की तरह अपने गांव शहर में देखेंगे वो बहुत पढ़ कर लेकर भी साइंस पढ़ कर भी केवल ऐसे ही ऐसे मतलब दिन बिताते हैं या बेरोजगारियों की तरह घूमते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, पहले चुन लीजिए आपको करना क्या है, कितने घंटे पढ़ते हैं उसी के अनुसार आप विषय चुने। तो देखिए कॉमर्स में मैं बात कर रहा हूँ 70 हज़ार तक रुपया आपको खर्च करना होगा, हाई फाई में ज़्यादा जाइएगा तो, क्योंकि कंप्यूटर क्लास का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिहार में मैं जानता हूँ कंप्यूटर केवल कॉलेज स्कूल में होता है दिखावे के लिए, कंप्यूटर सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर कोर्स भी करना होता है इसमें, क्योंकि आप लोग कॉमर्स में बैंकिंग में जाना है तो आप लोग कंप्यूटर कोर्स करना ज़रूरी है। देखिए बात करते हैं साइंस का। तो साइंस वही बच्चा लेगा जो 5 से 8 घंटा पढ़ता हुआ, 5 से 8 घंटा। देखिए 5 घंटा से डेली आप कम पढ़िएगा साइंस में सक्सेस नहीं होइएगा, साइंस केवल पढ़िएगा नाम के लिए पढ़िएगा, अगर 5 से 8 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आप साइंस केवल नाम के लिए लिए हैं, अच्छे कोई काम करने के लिए नहीं, आगे नहीं बढ़ने के लिए लिए हैं। तो देखिए आपको आगे बढ़ना है और कुछ करना है अपने घर जीवन और अपने देश समाज के लिए गांव के लिए, तो आपको कम से कम 5 से 8 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी खर्च का। तो देखिए कम से कम 40 हज़ार, आप कितना भी नॉर्मल हो जाइए आपको 40 हज़ार लग जाएगा। देखिए ना कॉलेज में ना नेम एडमिशन कराने के लिए, एग्जामिनेशन फीस देने के लिए, आपको आने जाने का खर्च, मतलब हर चीज़ में टीसी कटाने तक, एडमिशन से टीसी कटाने तक, यहाँ तक बस का भाड़ा, किराया, साइकिल के किराया, मतलब जो भी है मैं सारा चीज़ मिला कर बोल रहा हूँ, उतना आपको किराया एग्जामिनेशन एग्जाम देने तक इतना खर्चा है 40 हज़ार कम से कम। आप बिल्कुल नॉर्मल रहेगा तब 40 हज़ार, नहीं तो हाल फैल जाएगा तो 60-70-80-90 1 लाख तक जाएगा, 1 लाख के करीब ही रहेगा, 1 लाख देखिए पार नहीं होगा, कितना भी हाई फाई रही रहिए, हाई फाई रहने का तो कोई 2-3 लाख भी उड़ा देगा, लेकिन 1 लाख तक आपका हो जाएगा, 2 साल में 1 लाख तक रुपए खर्चा होगा। देखिए 2 साल में अगर 1 लाख, तो देखिए 24 महीने से भाग कर लीजिए आपको 4 हज़ार रुपया पर मंथ उड़ाइएगा तो आपका 1 लाख तक जाएगा। ठीक है, अगर उससे आप कम तो मतलब 2 हज़ार तो किसी का लग ही जाता है आपके, ये मैं जानता हूँ 2 हज़ार लग ही जाता है कैसे भी, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा था तो मेरा 3 हज़ार डेली का मंथली खर्च था। तो देखिए 3 हज़ार से मेरा कहने का मतलब 40 हज़ार पढ़ाई में खर्च हुआ, गाड़ी से आने जाने मतलब मेरा बहुत खर्च हुआ, कहने का मतलब 65-65 हज़ार रुपये खर्च हुआ। तो देखिए खुद मैंने कोचिंग पढ़ा कर पढ़ाई, न कि किसी से पैसा लेकर, क्योंकि मैं खुद महीने का जो कमा लेता हूँ कम से कम मान लो कि 10 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ कोचिंग से, और ऐसे भी मैं कमा लेता हूँ बहुत कुछ। तो देखिए मैं अपने से पढ़ के कमाया और पढ़ा कर कमाया और पढ़ तो किया अपने से। तो देखिए आप लोगों को जो भी विषय करना है वो आप लोग कर लीजिए, हालांकि YouTube पे बताना ये गलत बात है तो मैं कितना कमाता हूँ, हालांकि YouTube के अर्निंग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल
मैं कोचिंग से कितना कमाता हूँ। देखिए कोचिंग से बताना कोई गलत बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने गार्जियन से राय ले लेना चाहिए और अपने से जो सीनियर लोग हैं लड़के लोग हैं उनसे आप जरूर ले लीजिए राय तो वो क्या कह रहे हैं। अगर आपको राय कौन सा विषय चुनने के लिए दे रहे हैं तो उनके बताने पे आप सोचिए क्यों आपको ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको साइंस लेना अच्छा है होगा क्योंकि साइंस में आप आगे भी पढ़ेंगे और आगे भी नॉलेज पाते रहेंगे। तो देखिए साइंस के लिए आपको 5 से 8 घंटा पढ़ना होगा। आप अगर इससे कम पढ़ते हैं तो प्लीज़ साइंस मत लीजिए, दूसरा स्ट्रीम चुनिए जो आपको आसान लगता है तभी आप आगे बढ़ पाइएगा आगे उठ पाइएगा। नहीं तो साइंस लीजिएगा केवल नाम करिएगा पढ़ के कुछ कर नहीं पाएगा। तो ठीक है देखिए सोच लीजिए पहले आधे घंटे अपने गार्जियन से बात करिए, आधे घंटे खुद सोचिए और आधे घंटे अपने सीनियरों से बात कर लीजिए इसके बारे में आपको क्या लेना है। तो ठीक है मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि मैं जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियो लाऊंगा आप सही से देख पाएँ और जल्दी देख पाएँ। देखिए मैं पढ़ाई से रिलेटेड सभी वीडियो लाता रहूँगा आप लोग देखते रहिए। तो ठीक है ओके बाय, वंदे मातरम,